तो फाइनली शाहरुख खान 5 साल बाद पठान के साथ वापस आ चुके हैं बड़े पर्दे के ऊपर। बट वॉज इट वर्थ द वेट? यस इट वॉज। Honestly speaking, I am a big, big, big fan of Shah Rukh Khan. और उनकी पिछली जीरो मूवी वॉज अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट। जब हैरी मेट सेजल वॉज अ डिजास्टर। आई रियली लाइक्ड फैन, बट उसका सेकेंड हाफ बहुत बुरा था। आई डोंट नो अच्छे डायरेक्टर्स को शाहरुख खान के साथ काम करने में क्या दिक्कत है, बिकॉज आनंद एल राय, इम्तियाज अली, बोथ आर ग्रेट डायरेक्टर्स, बट पता नहीं क्यों शाहरुख खान के साथ आके उन्होंने बहुत बुरा फकअप किया था। फॉर्चुनेटली आई कैन से दिस विद ऑल कॉन्फिडेंस, पठान इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर। ये मूवी थिएटर के लिए बनी है और मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि इससे पहले कौन सी मूवी बॉलीवुड में आई थी विच वॉज अ बॉलीवुड इवेंट। हो सकता है मैं गलत हूँ, तो प्लीज कमेंट करिएगा कि आपके हिसाब से ऐसी कौन सी मूवी थी जो बॉलीवुड इवेंट मूवी थी। बाहुबली और KGF काउंट नहीं करती है बिकॉज वो बॉलीवुड की नहीं थी। एनीवेज, ये वीडियो पूरी तरीके से स्पॉइलर फ्री होने वाली है, तो स्पॉइलर्स की चिंता बिल्कुल मत करिए। तो हम पठान को एनालाइज करने के लिए इस वीडियो को 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट होगा द इम्प्रेसिव थिंग्स, दूसरा पार्ट होगा द डिसअपॉइंटिंग थिंग्स, और तीसरा पार्ट होगा द थिंग्स। इम्प्रेसिव थिंग्स के अंदर ऑफकोर्स वो चीजें आएंगी जो मुझे पर्सनली लगता है कि इस मूवी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स थे। डिसअपॉइंटिंग थिंग्स के अंदर वो चीजें आएंगी जो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर उन पर और काम किया जाता, उन पर और ध्यान दिया जाता, तो ये मूवी लिटरली इंडिया की बेस्ट एक्शन मूवी बन सकती थी। और थिंग्स के अंदर वो चीजें आएंगी जो ना डिसअपॉइंटिंग थी ना इम्प्रेसिव थी, न्यूट्रल थी, बट आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट देम। सबसे पहले शुरू करेंगे डिसअपॉइंटिंग थिंग्स। पहला, क्लीशे। नाउ टू बी ऑनेस्ट, जब हमने पठान का ट्रेलर देखा था, टीजर देखा था, इसका ट्रीटमेंट देखा था, सिद्धार्थ आनंद की पहले की मूवी जैसे कि वॉर और बैंग बैंग देखी थी, तो आपको और मुझे सबको पता था कि इस मूवी के अंदर ज़्यादा लॉजिक नहीं होने वाला है और ये मूवी हम स्टोरी के लिए नहीं देखने वाले हैं। ये मूवी हम शाहरुख खान के लिए, एक्शन स्पेक्टेकल के लिए, एक थिएटर एक्सपीरियंस के लिए, एक क्राउड एनवायरमेंट के लिए जाएंगे। बट आई स्टिल थिंक कि मूवी थोड़ी सी ज़्यादा ही क्लीशे थी, प्रिडिक्टेबल थी, और मूवी में स्टोरी वाइज ऐसा कुछ भी नया नहीं था। लेकिन सेइंग दैट डज नॉट मीन दैट इट वाज अ बैड फिल्म, क्योंकि मूवी का जो एग्जीक्यूशन था, और अक्सर हम जो कहना चाहते हैं उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम उसे किस तरीके से कहते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी कहानी नई नहीं है, सब कुछ रिसाइकल्ड है। तो किस तरीके से आप अपनी बात को कहते हो, किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है, और पठान एग्जीक्यूशन के मामले में बहुत गजब मूवी है। डिसअपॉइंटिंग एलिमेंट नंबर 2, द CGI। पठान 250 करोड़ की फिल्म है, यानी कि ये इंडिया की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है, उसके बावजूद इसके CGI थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे। अब ये पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कुछ मोमेंट्स फिल्म के इतने ज़्यादा सुंदर थे, और क्योंकि मैंने ये मूवी IMAX थिएटर में देखी थी, तो कुछ पर्टिकुलर शॉट्स बहुत अच्छे से फ्रेम किए गए थे, कैरेक्टर अलाइनमेंट, लाइटिंग, कैमरा वर्क बहुत अमेजिंग था, बट कुछ सीन्स के अंदर ग्रीन स्क्रीन का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा एविडेंट था। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप साफ साफ देख सकते थे कि कैरेक्टर और बैकग्राउंड दोनों अलग है और वो रियल लोकेशन पर शूट नहीं हुआ है। हालांकि ये सीन्स या फिर कुछ शॉट्स पूरी मूवी के अंदर मे बी 10% से भी कम होंगे, बट जब भी ऐसा मुझे फील हुआ तो ये एलिमेंट मुझे मूवी के बाहर खींच रहा था। बट सेइंग दैट, 250 करोड़ कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है। हॉलीवुड की फिल्म जो हम देखते हैं इस लेवल के एक्शन वाली, वो यूजुअली 1000 करोड़ से ऊपर की होती है। एवेंजर्स एंड गेम 2500 करोड़ की थी, तो 250 करोड़ के अंदर 10% बजट में हमें जो भी देखने को मिलता है, आई वुड स्टिल से कि वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने लायक है। एक बहुत ही वियर्ड चीज़ जो मैंने ट्रेलर के अंदर ही नोटिस कर ली थी, वो था शाहरुख खान की नाक। हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, पठान की नाक। नो, आई डोंट नो ये सच है या नहीं है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि शाहरुख खान की नाक के ऊपर CGI किया गया था। अब हम सब जानते हैं कि शाहरुख खान सर की नाक थोड़ी सी बड़ी है, बट आई रियली डोंट थिंक कि हम में से कोई भी शाहरुख खान की नाक को बॉयकॉट करने वाला था। और वो नाक को CGI करा हुआ एलिमेंट कम सीन्स में है, बट वो जब भी दिखता है इट इज पेनफुली डिस्ट्रैक्टिंग। आई डोंट नो ऐसा क्यों किया गया था, बिकॉज शाहरुख खान सर इज अ वेरी चार्मिंग एंड हैंडसम एंड ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग एंड गॉर्जियस एंड हॉट एंड अडोरेबल। एनीवेज, ट्रेलर के अंदर एक हेलीकॉप्टर वाला सीन दिखाया जाता है। अब ट्रेलर देखते हुए ही मैं वो सीन देख के काफी स्पेक्टिकल था, क्योंकि ट्रेलर के अंदर वो सीन थोड़ा सा ऑफ बीट लग रहा था। बट टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने वो सीन थिएटर में देखा तो मुझे उस सीन से कोई दिक्कत नहीं थी। ऑन दी अदर हैंड, एक सीन है जहां पर शाहरुख खान सर और जॉन अब्राहम सर एक ट्रक के ऊपर हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे हैं, वो पूरा सीन मुझे पर्सनली कुछ ज्यादा ही फेक लगा। पॉइंट नंबर 3,
इलॉजिकल एलिमेंट्स। नाउ पहले के दो पॉइंट्स को समझाते हुए मैंने उनको थोड़ा डिफेंड कर दिया था, बट ऑनेस्टली ये पॉइंट को मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर सकता हूँ। पठान मूवी के अंदर 3-4 सीन्स या सीक्वेंसेस ऐसे थे जो इतने इलॉजिकल थे कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो ऐसी 250 करोड़ की इवेंट ब्लॉकबस्टर फिल्म के अंदर डाले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सीन है जहाँ पे शाहरुख खान दीपिका पादुकोण से बात कर रहे होते हैं और उनका फोन पे साफ साफ विजिबल होता है कि कॉल नहीं लगा हुआ है। खैर ये तो बहुत छोटी चीज है। इसके अलावा हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर एक प्लेन के अंदर पायलट नीचे लटकते हुए कैरेक्टर से बात कर रहा होता है और वो पायलट को सुन पाते हैं, इवन दो पायलट प्लेन के अंदर बंद है और वो नीचे लटक रहे हैं। नाउ आई नो कि ये चीजें बहुत छोटी हैं और शायद मैं निटपिक कर रहा हूँ, बट मुझे पर्सनली मूवी देखते हुए ये चीजें कुछ ज्यादा ही इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल लगी थी। ओके, ये सब तो हुए कुछ डिसअपॉइंटिंग एलिमेंट्स जिनको टू बी ऑनेस्ट इजीली मैं और आप लोग इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि जो अच्छी बातें हैं इस मूवीज की वो इन सारी बुरी बातों को काफी ज्यादा ओवरपावर कर देती हैं। द इंप्रेसिव एलिमेंट नंबर 1, शाहरुख खान। होली फकिंग शिट, पठान इज डेफिनेटली शाहरुख खान सर्स बेस्ट एक्शन फिल्म, इफ नॉट द बेस्ट एक्शन फिल्म ऑफ इंडियन सिनेमा। उन्होंने अपने फिजिक के ऊपर बहुत वर्क किया है एंड इट इज वेरी एविडेंट। परफॉर्मेंस की बात करूं तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे आप लोगों को ये बताने की जरूरत है हाउ गुड ऑफ एन एक्टर शाहरुख खान रियली इज। चाहे वो इमोशनल सीन्स हो, रोमांस हो, एक्शन सीन्स हो, पेट्रियोटिज्म हो, कॉमेडी हो, शाहरुख सर हैज गिवन हिज एवरीथिंग टू दिस फिल्म एंड इट रियली शोज। बट मोर देन एनीथिंग एल्स, इट वॉज वेरी एविडेंट दैट शाहरुख सर इज रियली एंजॉयिंग दिस फिल्म। ये साफ साफ एविडेंट है कि मूवी के दौरान शूट करते हुए और ये मूवी बनाते हुए उन्होंने बहुत मजे करे हैं और पठान प्ले करने में उनको बहुत मजा आया है। और शाहरुख खान ने शुरू से ये कहा भी है कि वो शुरू से एक आउट एंड आउट एक्शन हीरो बनना चाहते थे, बट हमने उन्हें द किंग ऑफ रोमांस बना दिया और हम बिल्कुल भी अपोलोजेटिक नहीं है। शाहरुख खान सर का करिश्मा इस पूरी फिल्म में छाया हुआ है और उनका जो स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस है, पर्सनली आई डू हैव अ बायस टूवर्ड्स SRK एंड आई डू बिलीव कि शाहरुख खान जैसा स्क्रीन प्रेजेंस अभी तक बॉलीवुड में किसी का नहीं रहा है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड मोस्ट इंप्रेसिव थिंग अबाउट दिस फिल्म वॉज द कास्टिंग। शाहरुख खान सर के अलावा इस मूवी में जॉन अब्राहम सर ने बहुत अच्छा काम किया है। अ मूवी इज एज गुड एज इट्स विलन। एंड टू बी ऑनेस्ट, जॉन अब्राहम का कैरेक्टर वॉज नॉट रियली द स्ट्रॉन्गेस्ट और द मोस्ट इंटरेस्टिंग विलन दैट वी हैव सीन इन बॉलीवुड, बट उसके बाद भी मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी पठान के विलन से वो सरप्राइजिंगली एक्सीड हो गई। जॉन अब्राहम का कैरेक्टर बिल्कुल भी शैलो नहीं है और उनके मोटिवेशंस कहां से आते हैं और वो जो करना चाहते हैं वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, उन सब चीजों से हम कनेक्ट कर पाते हैं। एंड जॉन अब्राहम ने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है। एंड जॉन अब्राहम सर ट्रूली शाहरुख खान के सामने ओवरपावरिंग लग रहे थे। जॉन अब्राहम वर्सेस SRK के सभी हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स में इट वॉज रियली एविडेंट दैट जॉन अब्राहम इज द रियल डील। और मूवी के पहले फाइट सीन ने ही इस बात को एक्सप्लेन कर दिया था कि जॉन अब्राहम को बीट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने वाला है। एंड एज एक्सपेक्टेड, दीपिका पादुकोण इज ऑल्सो अ बैडएस इन द फिल्म। वो केवल एक सपोर्टिंग फीमेल कैरेक्टर नहीं है जैसे कि सिद्धार्थ सर की पहली मूवी वॉर के अंदर था, बट वो एक्चुअल में प्लॉट को आगे बढ़ाती हैं, स्टोरी का एक इंटीग्रल पार्ट है और उनके भी कुछ लेयर्स। नाउ इवन दो इस मूवी के अंदर बहुत इंटेंस या मेथड एक्टिंग की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल आशुतोष राणा सर, डिंपल कपाड़िया मैम और जितने भी सपोर्टिंग कास्ट है सबने अपना काम काफी अच्छे से निभाया है। इंप्रेसिव एलिमेंट नंबर 3, द बैकग्राउंड म्यूजिक। आई पर्सनली बिलीव कि किसी भी मूवी का म्यूजिक या बैकग्राउंड स्कोर उसको एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, उसके साथ एक इमोशंस जोड़ता है, और अगर उस स्पेसिफिक म्यूजिक को स्पेसिफिक जगहों पर या सीन्स पर अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए तो ऑडियंस का रिएक्शन और ऑडियंस के इमोशंस बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाते हैं। विशाल एंड शेखर सर जिन्होंने म्यूजिक कंपोज किया है, आई ट्रूली बिलीव दैट दे आर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिक आर्टिस्ट वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री टुडे। बिकॉज ट्रेलर को पहली बार देखते ही पठान का जो साउंड ट्रैक है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मूवी के अंदर जिस तरीके से उसको यूज किया है और जहां जहां पर यूज किया गया है, इट्स रियली ब्रेथ टेकिंग। जब जब वो म्यूजिक बजा था मुझे लिटरली गूज़बम्स आए थे। तो हाँ, इस मूवी का एक मेन कैरेक्टर बैकग्राउंड म्यूजिक सच में है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इंप्रेसिव एलिमेंट नंबर 4, द सिनेमाटोग्राफी एंड स्टाइल। सिद्धार्थ आनंद सर की पहले की मूवीज के अंदर भी सिनेमाटोग्राफी मुझे पर्सनली काफी पसंद आई थी, बट पठान वंस अगेन टेक्स इट टू अनदर लेवल। मूवी का कैमरा वर्क बहुत इंप्रेसिव है, मूवी के सारे शॉट्स बहुत ही वेल प्लान्ड है, एंड द कैमरा ब्लॉकिंग विच मीन्स कैमरा और कैरेक्टर का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छे से किया गया है। इस मूवी के कुछ शॉट्स इतने सुंदर हैं और इतने अच्छे हैं कि वो आपको हॉलीवुड की 1000 करोड़ की फिल्म्स की याद दिलाएंगी।
मूवी के अंदर सिनेमेटोग्राफी के अलावा लाइटिंग बहुत अच्छी है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मूवी के अंदर शेडोज का यूज बहुत क्रिएटिवली किया जाता है। यूजुअली मेन स्ट्रीम सिनेमा के अंदर शेडोज का यूज कम किया जाता है और फ्लैट लाइटिंग होती है, बट पठान मूवी के अंदर हाई कॉन्ट्रास्टिंग लाइट का यूज किया गया है, जिसका मतलब ये है कि लाइट और शेडोज का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन स्क्रीन पे देखने को मिलता है। और जहां तक स्टाइल की बात है, तो जैसा मैंने एग्जीक्यूशन की बात की थी, इस मूवी का एग्जीक्यूशन बहुत अमेजिंग है। हर एक मेन कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर ऑडियंस पागल हो गई थी, सब हूटिंग कर रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे, और मूवी के अंदर जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस हैं, बैडएस मूवमेंट्स हैं, उन सबको इस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है कि वो केवल देखने के लिए नहीं, आपको फील करने के लिए, उस मूवमेंट को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम देता है, हूटिंग के लिए टाइम मिलता है, रोंगटे खड़े होते हैं, आप उस मूवमेंट को अच्छे से इम्बाइब कर पाते हो। और अब एंड में बोनस सरप्राइजिंग एलिमेंट, सार्केज्म। नाउ वी ऑल नो कि शाहरुख खान सर रियल लाइफ में कितने ज्यादा विटी हैं। उनके इंटरव्यूज में हमने अक्सर उनको स्पॉन्टेनियसली विटी रिप्लाइज करते हुए देखा है, बट पठान मूवी के टीजर, ट्रेलर या मार्केटिंग कहीं से भी मैं ये बिल्कुल गेस नहीं कर सकता था कि ये मूवी इतनी फनी होगी। नाउ बाय फनी आई डोंट मीन स्लैपस्टिक ह्यूमर या फिर फिजिकल कॉमेडी, बट रादर सटल कॉमेडी। तो शाहरुख खान सर पे एक्चुअली बहुत सूट कर रही थी, उनके विटी रिप्लाइज, उनके कमबैक्स, उनकी सटल अंडरटोन, ये सब मूवी के अंदर बहुत ज्यादा अमेजिंग था। इसके अलावा जो एक और सरप्राइजिंग एलिमेंट था, वो शायद आपके लिए स्पॉइलर हो सकता है क्योंकि वो एक कैमियो था, लेकिन हम सबको पता ही है कि ये YRF का स्पाई यूनिवर्स है और इसमें आगे जाके क्या प्लान्स होने वाले हैं, और कास्टिंग के अंदर भी उस एक्टर का नाम है, तो सलमान खान। आपको याद है जब इन्फिनिटी वॉर आई थी और हमने कैप्टन अमेरिका को, आयरन मैन को, हल्क को, ब्लैक पैंथर को और इन सबको स्क्रीन पे एक साथ देखा था, तो कैसी फीलिंग आई थी? या फिर नो वे होम के अंदर जब एंड्रू गारफील्ड, टोबी मैग्वायर और टॉम हॉलैंड साथ में आए थे, तो आपका क्या रिएक्शन था? सलमान सर एंड शाहरुख खान सर 250 करोड़ की एक्शन ब्लॉकबस्टर मूवी के अंदर साथ में एक्शन करते हुए इस मूवी में दिखाई दिए हैं। यू हैव नो आइडिया थिएटर में लोग कैसे पागल हो गए थे, सब पागलों की तरह हूटिंग कर रहे थे, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हुए थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे बोलने से आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे। अब हो सकता है कि एंड गेम और नो वे होम से कंपेयर करके मैंने इसको थोड़ा ओवर हाइप कर दिया है, बट जब मैं थिएटर में बैठा हुआ था और जब ये सीक्वेंस आया था, तो मुझे तो वही फीलिंग आई थी, पूरे टाइम मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। And to watch these two legends on cinema together, जिनको हम इतने टाइम से साथ देखना चाहते थे, it was really breathtaking और मेरा पूरा पैसा वसूल हो गया था IMAX का केवल ये सीन देख के। और हाँ, मूवी खत्म होते ही कहीं पे भी मत जाना, अपनी कुर्सियों पे बैठे रहना, बिकॉज इस मूवी के अंदर इंडिया का बेस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन है। इट इज सो फकिंग मेटा, इट इज सो आयरोनिकल एंड इट इज सो फनी। आई लव्ड इट, आई फकिंग लव्ड इट। अब वीडियो के एंड में बस दो तीन पॉइंट ऐसे डिस्कस कर लेते हैं जो ना बुरे थे ना अच्छे थे, बट आई डू वांट टू डिस्कस देम। पॉइंट नंबर 1, द क्लाइमैक्स। देयर इज नो डाउट दैट दिस मूवी इज एन आउट एंड आउट एक्शन ब्लॉकबस्टर इवेंट मूवी, एंड इसीलिए इस मूवी के अंदर बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस हैं। अब उससे होता क्या है कि क्योंकि ये मूवी 2.5 घंटे की है, एंड 2.5 घंटे की होने के बावजूद इस मूवी का जो पेसिंग है वो काफी अच्छा है, मुझे बोर फील नहीं हुआ कहीं पे भी। लेकिन क्या हुआ कि क्लाइमैक्स में आते आते ना, आप ऑलरेडी इतना कुछ देख चुके हो एक्शन सीक्वेंसेस, आपका एड्रेनलिन बहुत ज्यादा पहले ही इतना यूज हो चुका है, तो क्लाइमैक्स जो है वो एंटी क्लाइमैक्टिक लगता है थोड़ा, क्योंकि आप पहले ही इतना कुछ देख चुके हो, और जब क्लाइमैक्स आता है तो वो ऑनेस्टली इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता है, और उसका जो एक्शन सीक्वेंस है वो भी थोड़ा सा इतना सा डल हो जाता है, हल्का सा। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़, वो ये कि इस मूवी के अंदर जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स हैं, यानी कि एक्शन स्पेक्टिकल्स की बात अलग है, सेट पीसीस की बात अलग है, लेकिन जहाँ पर भी हैंड टू हैंड यानी कि फेस ऑफ वाले फाइटिंग सीक्वेंसेस हैं, वो बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ करे गए हैं, एंड कुछ हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स इतने अच्छे हैं कि वो मुझे थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जॉन विक या फिर नोबडी की याद दिला रहे थे। आई एम नॉट सेइंग कि वो इतने अच्छे थे, आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे याद दिला रहे थे क्योंकि वो अच्छे थे। तो चलो, अब डिसअपॉइंटिंग, इम्प्रेसिव, न्यूट्रल सारी बातें हो गई हैं, बट टू कंक्लूड, आई रियली थिंक दैट पठान
कैन बी द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ शाहरुख खान। ओवरऑल ये मूवी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मैं प्रिफर करूंगा कि आप ये मूवी सबसे बड़ी स्क्रीन पर सबसे ज्यादा ऑडियंस के साथ में देखो, क्योंकि ये फुल ऑन पॉपकॉर्न मसाला फिल्म है एंड इसके अंदर जो इमोशंस हैं, जो स्टाइल है, वो आपको सच में इंप्रेस करेगा। बहुत जगह पर आपको गूज बम्स आएंगे, स्टोरी में और कैरेक्टर्स में आप इन्वेस्टेड रहोगे एंड दिस इज डेफिनेटली अ मस्ट वॉच बिकॉज शाहरुख खान सर हैज कम बैक एंड ही इज हेयर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द किंग इज गोइंग टू रूल अगेन। मैं पठान को दूंगा 8.5 out of 10। ऑनेस्टली ये मूवी 8 है बट 0.5 एक्स्ट्रा शाहरुख खान के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप नीचे जाकर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज इसको शेयर करें। तब तक के लिए खुश रहो, खाते रहो, पीते रहो, हंसते रहो, बट सबसे इंपॉर्टेंटली मूवीज देखते रहो।